मार्केट में बहुत इमीडिएट आ जाता है कि स्पाउस को अब नहीं देंगे वीज़ा, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि अगर आप कोर्स अच्छा ले रहे हो, आप मास्टर बाई रिसर्च ले लो जिसमें कि स्पाउस साथ में जा सकता है। जी अगर स्पाउस वीज़ा के साथ ही जाना है, और अगर आपने अकेले जाना है तो यूके तो हमेशा ही ऑलवेज ओपन। आप MOI बेस पे जा सकते हो, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश हो, जिसमें कि आपने आइल्स ना भी किया हो, डजेंट मैटर। और अगर आपने +2 CBSE से किया हुआ है और इंग्लिश में आपके 70% हैं, तो भी आप विदाउट आइल्स यूके जा सकते हो। कोई यूनिवर्सिटी 70 मांगेगी, कोई 75 मांग सकती है। तो ये तो बहुत इजी ऑप्शन हो गया कि विदाउट आइल्स भी आप जा सकते हो। कम से कम फीस भी में भी जा सकते हो, मतलब फीस इतनी कम कि जस्ट 10,000 पाउंड्स, मीन्स 10 लाख फीस साल की, और मास्टर्स जस्ट 1 ईयर की है। 1 साल की मास्टर्स 10 लाख में आप यूके जैसी कंट्री का जो है एक्सपोजर लेते हो, जिसमें कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपका 2 ईयर्स का है। पार्ट टाइम वर्क जो करते हो आप पढ़ने के साथ, 20 आवर्स पर वीक आपको अलाउड है। तो आप जो पढ़ने जा रहे हो, आपको 4 साल का गैप है, कोई कंट्री ले नहीं रही है, आपके सैलरी अकाउंट में नहीं आ रही, तब कोई दूसरी कंट्री नहीं ले रही है, यूके को वो कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। आपका जस्टिफाई करना पड़ेगा आप 4 साल क्यों खाली रहे, लेकिन ये नहीं कि वो इस चीज़ पे स्ट्रिक्ट है। फंड्स 28 डेज़ ओल्ड, वो भी नहीं कि 3 महीने पुरानी स्टेटमेंट या कोई सोर्स दो, 6 महीने पुरानी स्टेटमेंट दो, वो भी कुछ नहीं है। फीस खाली 6 मंथ की करा के आप अपनी कैश लेटर ले सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फीस जो है जस्ट 4,000 पाउंड पे करा के अपनी कैश लेटर ले सकते हो। अगर बच्चा जो है पंजाब और हरियाणा के अलावा किसी और बोर्ड का है, तो वो स्टेट बोर्ड में भी अगर उसके इंग्लिश में 70% आए हैं, तो बच्चा विदाउट आयल्स यूके जा सकता है, वो भी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जा सकता है। तो आप देखिए, 2 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, फंड्स जस्ट 28 डेज़ ओल्ड शो करने हैं, तो व्हाट एल्स यू आर लुकिंग? आपको ओवरऑल ग्रोथ कितनी मिल रही है, कितने सारे स्टूडेंट्स के साथ, कितनी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हैं, जिनके साथ आप कल्चर एक्सचेंज कर रहे हो, जिनके साथ आप सीख रहे हो। फिर अगर आप कोर्स अच्छा कर रहे हो, आपके और इमीडिएट कंपनीज में जब जॉब मिलती हैं, तो आपका वर्क परमिट हो जाता है। 2 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट तो आपको मिल ही रहा है। और अगर आप मास्टर बाय रिसर्च में जाते हो, तो स्पाउस को आप साथ में लेके जा सकते हो। तो ये काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जो स्टूडेंट ऑप्ट कर सकता है। मास्टर्स के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने मेन इनटेक दिया है, जी, अदरवाइज फिर सितंबर इनटेक है, लेकिन अभी मेन इनटेक ओपन है, तो स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेड के लिए तो अब ज़्यादातर जो चॉइस है वो हमें सितंबर मिलनी है, मई के लिए बहुत कम चॉइस मिलेगी। अंडर ग्रेड के लिए यूके VI आइल्स या PTE कर लें, क्योंकि PTE का स्कोर हायर साइड चाहिए होता है, तो हम लोग UK VI PTE करते हैं, वो काफ़ी कम में भी एक्सेप्ट हो जाता है, इवन 44 में भी एक्सेप्ट हो जाता है स्टूडेंट्स का। थैंक यू।